हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, एमएचआई 3 के वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इट इज अबाउट सबॉल्टर्न स्टडीज। ठीक है, काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सबॉल्टर्न? ठीक है, पहले तो हमें ये समझना होगा सबॉल्टर्न होता क्या है, सबॉल्टर्न जो टर्म है। तो अगर हम ये टर्म की बात करें, ये जो टर्म है इट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ओवर द टाइम। ठीक है, अलग अलग मीनिंग से इस टर्म को यूज किया गया है, अलग अलग सेंस में इस टर्म को यूज किया गया है ओवर द टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको इनिशियली जो यूज किया गया, इट हैज बीन यूज इन मिडीवल टाइम्स। ठीक है, मिडीवल टाइम्स, मिडल एजेस के दौरान इसको यूज किया गया। और इसको यूज तब कैसे किया गया, इंग्लैंड में जो पीजेंट्स होते थे, सॉफ्ट होते थे, उनको रेफर किया गया बाय यूजिंग दिस सबॉल्टर्न टर्म। ठीक है, जो सॉफ्ट होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनको सबॉल्टर्न बोला गया। बट फिर लेटर ऑन एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, एंटोनियो ग्राम्स्काई। एंटोनियो ग्राम्स्काई ने सबॉल्टर्न टर्म को थोड़ा और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में यूज किया। ठीक है, उन्होंने जो है ही रेफर टू सबॉर्डिनेटेड ग्रुप। ठीक है, जो भी सोसाइटी के सबॉर्डिनेटेड ग्रुप थे, ठीक है, एक थोड़ा आप बोल सकते हैं लोअर रैंक के ग्रुप थे, ठीक है, सबॉर्डिनेट थे जो, उनको रेफर किया एज सबॉल्टर्न। ठीक है, एंड देन कम्स रंजीत गुहा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रंजीत गुहा इन द हिस्ट्री ऑफ सबॉल्टर्न स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में हम सबॉल्टर्न स्टडीज, ये जो पूरा सबॉल्टर्न स्कूल डेवलप हुआ, इसमें रंजीत गुहा वॉज द प्राइम, यू कैन से कि हाँ, प्राइम जो पर्सनैलिटी थे वो रंजीत गुहा थे। ठीक है, तो रंजीत गुहा जो है उन्होंने सबॉल्टर्न जो टर्म है इसको यूज किया इन द सेंस डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जिस तरह से यूज हुआ है सबॉल्टर्न का, अगर आप मीनिंग देखेंगे, इट इज ऑफ इंफीरियर रैंक। किसी का जो जब लोअर रैंक हो जाता है, उन पर्सन को हम सबॉल्टर्न बोल देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रंजीत गुहा, रंजीत गुहा ने यहाँ पे क्या बोला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो रंजीत गुहा ने यहाँ पे क्या बोला कि देखिए, जो सबॉल्टर्न क्या होगा, तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पॉपुलेशन है एक सोसाइटी का, ठीक है, इसमें कुछ ये इलाइट क्लास है। ठीक है, इलाइट क्लास जो अपर हम बोलते हैं, इलाइट क्लास है, राइट। ठीक है, तो इनके बिना ये जो बाकी जो बचा, ठीक है, ये जो सेक्शन है दैट इज सबॉल्टर्न सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम ये इलाइट पार्ट ले रहे हैं पूरी पॉपुलेशन का, देन दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, मींस पॉपुलेशन माइनस इलाइट पार्ट जो रिमेनिंग बचा, दैट इज नोन एज सबॉल्टर्न बाय रंजीत गुहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि पूरी पॉपुलेशन जब उसमें से हम जो है इलाइट पार्ट को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है दैट इज एक्चुअली द सबॉल्टर्न क्लास। उसमें आपके पीजेंट्स भी आ जाएंगे, उसके उसमें आपके लेबरर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, सब लोग आ जाएंगे। इट इज नॉट जस्ट डेफिनेटली टू लाइक, इट इज नॉट जस्ट कि हाँ सर्फ्स और पीजेंट्स होंगे, जैसे पहले इंग्लैंड में बात की थी। ठीक है, तो रंजीत गुहा ने भी जो सबॉल्टर्न टर्म है, ही हैज यूज्ड इन द ब्रॉडर सेंस। ओके, तो अभी देखिए, ये जो सबॉल्टर्न स्टडीज है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में ये सबॉल्टर्न स्टडीज किस तरह से बिगिन हुई, अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एज वी सेड कि रंजीत गुहा जो है उनको क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट ऑफ सबॉल्टर्न स्टडीज की, अगर हम बात करते हैं इन इंडिया। ठीक है, तो रंजीत गुहा ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो है और भी राइटर्स जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे कॉन्वेंशनल हिस्ट्री राइटिंग के साथ, ठीक है, जो कन्वेंशनल हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे, दे देन ज्वाइंड दिस स्कूल ऑफ थॉट्स सबॉल्टर्न स्टडीज। ठीक है, तो ये और ज्यादा डेवलप हुआ। एंड अगर हम अभी की बात करें इन इंडिया, दिस प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ इट हैज 11 वॉल्यूम्स। ठीक है, ये पूरा जो सबॉल्टर्न स्टडीज के अगर आप वर्क्स की बात करोगे, 11 वॉल्यूम्स अभी इसकी जो है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ सबॉल्टर्न स्टडीज का, इट बेसिकली हैपेंड इन टू फेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको दोनों फेजेस अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सबॉल्टर्न स्टडीज इन इंडिया, सो देन यू हैव टू मेंशन दीज टू फेजेस। ठीक है, आपको दोनों फेजेस ये बताने होंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू
फेस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फेस की अगर हम बात करें, इलाइट वर्सेस वोल्ट्रन, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा रणजीत गुहा का क्या डेफिनेशन था कि एक तो पूरी ये इंडियन पॉपुलेशन है, इसमें कुछ पार्ट ये सबॉल्ट्रन का है, ठीक है। तो ये सबॉल्ट सॉरी इलाइट का पार्ट है, अगर इलाइट का पार्ट को हम माइनस कर दें फ्रॉम दिस एंटायर पॉपुलेशन, तो रिमेनिंग क्या एरिया है, सबॉल्ट्रन का, ठीक है। तो यहाँ पे इलाइट वर्सेस सबॉल्ट्रन की बात हुई है फर्स्ट फेज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हिस्टोरियंस है, सबॉल्ट्रन हिस्टोरियंस, उन्होंने पहले तो क्या बात की कि यहाँ पे जो लोअर क्लासेस है, ठीक है, लोअर जो एक्सप्लॉयटेड क्लासेस है, उनकी तरफ इन्होंने अपना कंसर्न शो करा इन देयर वर्क, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि किस तरह से जो लोअर क्लासेस हैं, हाउ दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द इलाइट क्लास ओवर टाइम, ठीक है, किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉयट हुए हैं, उनका क्रिटिसिज्म किया। तो बेसिकली इन फर्स्ट फेज जो ये सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एक कंसर्न शो किया है टूवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेड क्लास, लोअर क्लास जो कि एक्सप्लॉयट होते आई है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, ये अगर हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं, इन्होंने जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी थी उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। जो हिस्टोरियोग्राफी, जो हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बिकॉज इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो हिस्टोरियोग्राफी है, चाहे हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे अगर हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करें, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हुए हैं, राइट, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्कूल्स हैं, नेशनलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट, ठीक है, देवर कंसीडर्ड एज कन्वेंशनल स्कूल। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि ये सारे जो कन्वेंशनल स्कूल्स हैं, ये नेशनलिज्म को इन्होंने प्रेजेंट किया है फ्रॉम द इलाइटिस्ट व्यू पॉइंट, ठीक है। इलाइटिस्ट व्यू पॉइंट जो है उससे इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को प्रेजेंट किया है, एंड दे हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू इलाइट क्लासेस, ठीक है, इलाइट क्लासेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और सबॉल्टर्न क्लासेस को इन्होंने जो है इन कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी दे हैव इग्नोर्ड द सबॉल्टर्न क्लासेस, सबॉल्टर्न जो क्लासेस है उनको कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियसनेस को इग्नोर किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंडियन नेशनलिज्म थी बिफोर देयर डेवलपमेंट, जब तक ये सबॉल्टर्न स्कूल डेवलप नहीं हुआ था, तब तक ये जो इंडियन नेशनलिज्म पे जो भी राइटिंग्स वगैरह थी, हिस्टोरियोग्राफी हुई है, इट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय इलाइटिज्म, ठीक है। तो इस तरह से बात की सबॉल्टर्न स्कूल ने। यहाँ पे क्या बोला कि आपने जो लोगों को, कॉमन जो लोग हैं उनको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप इंडियन नेशनलिज्म देख रहे हैं, ठीक है, आप गांधी जी के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, आप नेशनलिस्ट लीडर्स के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, राइट, ठीक है, आप कॉमन जो पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे, आप हमेशा लीडर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप उनके ही व्यू पॉइंट से पूरी जो हिस्ट्री है देख रहे हो, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स, उन्होंने भी जो है एक इलाइटिस्ट व्यू पॉइंट देखा है, उन्होंने लोगों की बात नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से जो सबॉल्टर्न स्कूल है, इन्होंने फर्स्ट फेज में क्रिटिसाइज किया है कन्वेंशनल हिस्ट्री राइटिंग को, ठीक है। तो इन्होंने एक तो ये बोला कि अगर हम कांग्रेस की भी बात करते हैं, कांग्रेस में जो नेशनलिज्म है, इट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय इलाइट क्लास, ठीक है। कांग्रेस को जैसे नेशनलिज्म है, इन्होंने उसको क्या टर्म दी है, बर्गवाजी नेशनलिज्म, ठीक है, बर्गवाजी टर्म यूज की है फॉर द कांग्रेस नेशनलिज्म, क्योंकि इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी इट वॉज डोमिनेटेड बाय इलाइट, ठीक है। तो देखिए एक तो ये नेशनलिज्म की बात करें कि जो कांग्रेस का नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं इलाइट डोमिनेटेड था, प्लस ये हिस्टोरियोग्राफी की बात करें कि जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी थी, जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस ने लिखी या कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने लिखी थी, वो उसमें कहीं ना कहीं इलाइटिस्ट जो क्लास थी उनको इम्पोर्टेंस दी गई है, उनके जो व्यू पॉइंट से पूरा नेशनलिज्म देखा गया है, एंड जो कॉमन पीपल है दे हैव एक्चुअली बीन इग्नोर्ड, जो सबॉल्टर्न क्लास है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इन द फर्स्ट फेज, ठीक है। इन्होंने अब क्या बोला कि यहाँ पे हमें जो है बेसिकली इन्होंने क्या बोला
जो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स है दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम इलाइट पॉलिटिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इलाइट क्लास ने या फिर कुछ लीडर्स ने जिस तरह से बोल दिया, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि हाँ गांधी जी पहले ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास करते थे एंड उसके बाद फिर पीपल जो है उन पे रिएक्ट करते थे, राइट। ठीक है, फिर उस तरह से वो नेशनल मूवमेंट्स करते थे, वेदर इट वॉज नॉन कॉपरेशन, वेदर इट वॉज सीडीएम, राइट। ठीक है, तो बट यहाँ पे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं था, जो इलाइट पॉलिटिक्स थी वो सेपरेट थी, जो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स थी दैट वॉज सेपरेट। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इलाइट पॉलिटिक्स थी सारी जो है सबाल्टर्न पॉलिटिक्स को डिराइव कर रही थी, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स है उनका अपनी एक जो है एग्जिस्टेंस थी, एक उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस थी एंड उनकी जो एग्जिस्टेंस थी इसकी जो रूट थी दैट वॉज इन द ट्रेडिशनल नेटवर्क। ठीक है, जो उनके ट्रेडिशनल नेटवर्क थे, किनशिप नेटवर्क थे, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पे इनकी रूट लाई करती थी। ठीक है, एंड इनकी जो मोबिलाइजेशन थी, सबाल्टर्न मोबिलाइजेशन, इट वॉज हॉरिजॉन्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, जब हम इलाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम वर्टिकल टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, कि हाँ एक हम बोलते हैं कि टॉप जो इलाइट लीडर्स थे, ठीक है, फिर कुछ मीडियम जो लेवल के आगे, फिर ग्रास रूट, ठीक है, इस तरह से हम वर्टिकल बात करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रंजीत गुहा यहाँ पे जो सबाल्टर्न क्लास थी उनकी मोबिलाइजेशन जो थी दैट वाज नॉट वर्टिकल, ये आपको समझना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, उनकी जो मोबिलाइजेशन थी, उनके जो ग्रुप्स बने, उनकी जो पॉलिटिक्स हो रही थी दैट वाज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, किनशिप नेटवर्क थे, भाईचारा था उनका। ठीक है, तो इस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही थी, इट वाज नॉट वर्टिकल। ऐसा नहीं था कि कोई वर्टिकल तो पे लीडर्स थे वो फिर आके इंस्ट्रक्ट कर रहे थे ग्रास रूट पीपल को, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो इसी तरह सबाल्टर्न हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स हुआ है इट वॉज सेपरेट फ्रॉम द इलाइट पॉलिटिक्स। ठीक है, इलाइट पॉलिटिक्स अलग था, उनका जो नेचर था दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द सबाल्टर्न मोबिलाइजेशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबाल्टर्न मोबिलाइजेशन अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इलाइट, अगर इलाइट जो मोबिलाइजेशन है उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इट वॉज वॉयलेंट, ठीक है, रिलेटिवली वॉयलेंट था और स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इफ वी टॉक इन कंपेरिजन, ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इलाइट मोबिलाइजेशन और सबॉल्टरन को, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिवली जो सबॉल्टरन था इट वॉज समवेयर स्पॉन्टेनियस एंड वॉयलेंट। ठीक है, वॉयलेंट हो जाता था कई बार, जैसे अब देखिए गांधी जी थे वो हमेशा नॉन वॉयलेंस की बात करते थे, राइट, पीसफुल उनका रहता था कि हाँ पूरा पीसफुल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम कॉमन लोगों की बात करें वो रिवॉल्ट कर देते थे, वो जो है वॉयलेंट हो जाते थे, राइट। ठीक है, तो रिलेटिवली इट वॉज वॉयलेंट, रिलेटिवली इट वॉज स्पॉन्टेनियस, बट कंप्लीटली ऐसा नहीं था। ठीक है, कंप्लीटली ऐसा नहीं था कि हाँ एकदम ही वॉयलेंट थे या एकदम ही स्पॉन्टेनियस थे, बिना कुछ सोचे समझे सब चीजें कर रहे थे, एकदम स्पॉन्टेनियस ऐसा भी नहीं था। कंपैरिजन करते हैं तो यस, इट वॉज रिलेटिवली मोर वॉयलेंट एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सबाल्टर्न स्कूल है इन्होंने फर्स्ट फेज में तीनों, वेदर वी टॉक अबाउट कॉलोनियलिस्ट, वेदर नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, तीनों जो स्कूल्स थे इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, क्रिटिसाइज क्यों किया है, इन्होंने क्या बोला कि कॉलोनियलिस्ट जो है, अब कॉलोनियलिस्ट स्कूल की अगर आप बात करें, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हमेशा क्या बोलते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था दैट वॉज बेनिफॉलेंट फॉर इंडिया, दैट वॉज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए अच्छा था, इंडिया में तो लोग जो थे इग्नोरेंट थे, ठीक है, उनको जो है डेवलपमेंट नहीं थी, इग्नोरेंट थे। ठीक है, एंड ये जो कॉलोनियलिस्ट जो कॉलोनियल रूल था दैट वॉज बेनिफॉलेंट फॉर देम, दैट वॉज गुड फॉर देम, इसलिए वो इस तरह से बात करते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था इट वॉज अ मिशन। ठीक है, एक मिशन की तरह था, जो ये इग्नोरेंट पीपल थे जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी उनको एनलाइटन करने के लिए। ठीक है, तो कॉलोनियलिस्ट हमेशा इस तरह की बात करेंगे, बट इस चीज को जो सबाल्टर्न स्कूल है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, देन अगर उसके बाद हम नेशनलिस्ट की बात करें, नेशनलिस्ट को भी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हमेशा यही बात करते हैं कि पूरा ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुई है दैट वॉज पार्ट
ऑफ मेकिंग नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट को हमने बनाना था, नेशन स्टेट क्रिएट करना था, इसलिए पूरा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ। बट वॉल्टरन कहते हैं ऐसा नहीं था, ठीक है, हाँ कुछ इस तरह से एफर्ट लिए गए, बट ये पूरी जितनी मूवमेंट हुई है वी कैन नॉट से कि हाँ कंप्लीटली हम जो है नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए हमने ये जो है मूवमेंट की है, ठीक है, इस तरह से नहीं था, ठीक है। देन मार्केसिस्ट, मार्केसिस्ट को भी सबाल्टर्न जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बिकॉज मार्केसिस्ट का क्या, आप देखेंगे मार्केसिस्ट हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें एक सोशल स्टेट बनाना है, हमें एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जिस तरह से नेशनलिस्ट हमेशा नेशन स्टेट की बात करते थे, मार्केसिस्ट हमेशा ये कहते थे कि ये पूरा मूवमेंट है टू अचीव द क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, ये एक रेवोल्यूशन हम कर रहे हैं टू क्रिएट अ सोशलिस्ट स्टेट, बट सबाल्टर्न बोलते हैं ये इस तरह से नहीं था, ठीक है। तो तीनों को ही बेसिकली सबाल्टर्न स्कूल जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अब हम सबाल्टर्न स्टडीज का एम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे एम देख लेते हैं कि इनका एम क्या था एक्चुअली, ये जो सबाल्टर्न स्टडीज डेवलप हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट तो वही है जैसे हमने बात की, इनको जो है शो करना था द बर्गुआजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस नेशनलिज्म, ठीक है। ये क्या बोलते थे कि जो कांग्रेस नेशनलिज्म है इट वाज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय इलाइट क्लास, इसका एक बर्गवाजी कैरेक्टर है। तभी कई बार जो है गांधी जी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है, ठीक है, ये बोला गया कि जब भी कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट की बात आती थी, ठीक है, तो गांधी जी जो है मूवमेंट्स को सस्पेंड करते थे, ठीक है, जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने की बात आती थी तो गांधी जी जो है मूवमेंट को सस्पेंड कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से एक बर्गवाजी कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि जो एक पॉपुलर रेडिकलिज्म था, ठीक है, लोग जो मूवमेंट्स कर रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको रिस्ट्रेन करा है, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि गांधी जी जो थे पहले तो वो बोलते थे कि लोगों को मार्क्सिस्ट को प्रिपेयर करते थे फॉर द मूवमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट चोरी चरा सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने पहले तो मार्क्सिस्ट को प्रिपेयर किया, ठीक है, बट फिर एक लेवल के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि फिर उनने एकदम से सस्पेंड कर दिया जब मार्क्सिस्ट पूरा रेडी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उन्होंने रिस्ट्रेन करा है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा है पॉपुलर रेडिकलिज्म को, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी बात, ये हिस्टोरियंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने जो भी नेशनलिज्म हुआ है, ठीक है, आपने वो जो है इस तरह से दिखा दिया कि दैट वाज इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कांग्रेस, ठीक है, कि पूरा इंडियन कांग्रेस के अंडर ही पूरा नेशनलिज्म हुआ है, बट इट वॉजंट द केस, ठीक है। जो सबाल्टर्न जो मूवमेंट हुई है दैट वर सेपरेट, ठीक है, ऐसा नहीं था कि हाँ कंप्लीटली जो कांग्रेस के लीडर्स बोलते थे वो इंस्ट्रक्शंस देते थे और वैसा ही सबाल्टर्न मूवमेंट होती थी, नो इट वॉजंट द केस, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो सबाल्टर्न मूवमेंट थी सबाल्टर्न क्लास के इनिशिएटिव थे, वेदर यू टॉक अबाउट पीजेंट्स ट्राइबल्स, ठीक है, कोई भी आप बात करो सबाल्टर्न जो लोअर आप बोल सकते हो सबॉर्डिनेटेड ग्रुप, ठीक है, इनकी अपनी एक ऑटोनॉमस स्ट्रगल थी, ठीक है, वो सिर्फ कांग्रेस से डिराइव नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, कांग्रेस में ये कई बार ज्वाइन कर लेते थे, जो लीडर्स जो है इंस्ट्रक्शंस पास करते थे, महात्मा गांधी बताते थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि हाँ पूरा उनको उनसे ही ये कंट्रोल्ड थे, इट वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। इनका खुद का एक ऑटोनॉमस स्फीयर था, इनकी एक अलग एंटिटी थी, ठीक है, और इसमें अलग अलग ग्रुप जो है पूरे जो है सबाल्टर्न में आते थे, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स पीजेंट्स, ठीक है, लेबर क्लास, इवन मिडल क्लासेस, ठीक है, तो उनकी एक अपनी स्ट्रगल थी। तो ये बोलते हैं कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है वो पूरा स्ट्रगल को जो है इंडियन कांग्रेस के अंडर ही देख रहे हैं, बट इट वॉज नॉट द केस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की बात हुई है, गांधी एस महात्मा, ठीक है, इट वॉज बाय शाहिद अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें शाहिद अमीन क्या बोलते हैं कि देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू
नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस चले या फिर जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी हुई है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनलिज्म चले, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हाँ कांग्रेस लीडर्स डायरेक्ट करते थे और बाकी के जो सेक्शन थे ठीक है ट्राइबल पीजेंट्स वगैरह वो उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते थे। ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट CDM ठीक है, बाकियों ने वैसा करा। वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम देखते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ जिसमें वॉयलेंस हुआ, पुलिस मैन जो थे वो उनको किल किया गया, पूरा पुलिस स्टेशन बर्न हो गया, राइट। ठीक है तो वो बोलते हैं फिर तो ये केस होता ही ना, राइट। अगर पूरा जो लोग थे जो कॉमन पीपल थे अगर उन्होंने गांधी जी की बात मानी होती ठीक है, इफ दे हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी देन दिस चोरी चोरा इंसिडेंट वुडेंट हैपन, राइट। फिर क्यों होता है ये? तो इसीलिए यहाँ पे शहीद अमीम कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि पूरा कांग्रेस जो लीडर्स वगैरह कंट्रोल कर रहे थे, ये लोग जो थे ये इंटरप्रेट करते थे ठीक है, जो लीडर्स वगैरह मैसेजेस पास करते थे इंस्ट्रक्शंस देते थे लोग उनको इंटरप्रेट करते थे इन देयर ओन वेज ठीक है, अपने तरीके से उनको इंटरप्रेट करते थे, अपनी नीड्स देखते थे उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते थे। ठीक है ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली जो लीडर्स ने कांग्रेस लीडर्स ने बोल दिया वैसा था। ठीक है फिर उसके बाद सिमिलरली रंजीत गुहा जो है उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है इसमें भी इन्होंने ये बताया कि देखिए रिलेटिवली अगर हम बात करें कि पीजेंट रिबेलियंस जो हुए हैं रिलेटिवली अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इलाइट पॉलिटिक्स ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस थे एकदम से होते थे। अब जैसे महात्मा गांधी का अगर हम देखें या फिर नेशनलिस्ट लीडर्स का देखें, वो कोई भी जब मूवमेंट शुरू करते थे वो पहले पूरी प्लानिंग करते थे कि हाँ इस तरह से रहेगा पूरा प्रोग्राम इस तरह से रहेगा ठीक है, बट ये थोड़ा स्पॉन्टेनियस होते थे एकदम से हो जाते थे। बट अकॉर्डिंग टू रंजीत गुहा ऐसा नहीं था, रिलेटिवली कंपेरिजन में थे बट एकदम से स्पॉन्टेनियस नहीं होते थे। इनके पीछे भी जो इनकी स्ट्रगल थी इनकी मूवमेंट थी ये कोई एक्शन लेते थे उनके पीछे भी एक जो है इनकी कॉन्शियसनेस थी ठीक है, एक थॉटफुल इनका प्रोसेस होता था, ऐसा नहीं कि बस स्पॉन्टेनियसली कुछ भी कर दिया, नो ठीक है। तो इसीलिए रंजीत गुहा कहते हैं कि ये जो सबाल्टर्न क्लास है उनकी कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। ठीक है उसके बाद सिमिलरली एक और सबाल्टर्न हिस्टोरियन है ज्ञान पांडे। ठीक है तो ये गाइज आपको जो नेम्स हैं स्कॉलर्स के ठीक है या उनके वर्क के ये आपको याद रखने हैं। ठीक है यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंड यू हैव टू मेंशन इन योर एग्जाम ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान पांडे जो हैं वो भी अपने वर्क में बताते हैं पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उन्होंने क्या बोला कि देखिए अवध में जो मूवमेंट हुई थी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है, हम बोलते हैं कि अवध में पीजेंट मूवमेंट हुई ठीक है, वो कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने से पहले ही जो है ये मूवमेंट्स वहां पे स्टार्ट हो गई थी ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ नॉन कॉपरेशन के अंडर ही हुई, इनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस थी उससे पहले ही, नॉन कॉपरेशन से पहले ही ये मूवमेंट्स वहां पे लॉन्च हो गई थी इन अवध ठीक है। एंड ये बोलते हैं कि जो लोकल पीपल होते हैं जो सबाल्टर्न क्लास थे पीजेंट्स थे उनको जो लोकल सिचुएशंस थी उनका बेटर आइडिया था ठीक है, लोकल पावर स्ट्रक्चर जो था उनका बेटर आइडिया था एज कंपेयर टू लीडर्स ठीक है, जो लीडर्स वगैरह होते हैं जैसे कांग्रेस के लीडर्स थे ठीक है उनसे ज्यादा इनको आइडिया होता था, उस तरह से ये अलायंसेस वगैरह बनाते थे। तो इनकी बेसिकली एक सेपरेट एग्जिस्टेंस थी, एक इनकी अपनी इंपॉर्टेंस थी ठीक है। सिमिलरली स्टेफन हेनिंगम है, इन्होंने भी अपने अकाउंट क्यूट इंडिया इन बिहार एंड ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस ठीक है, इसमें ये बात कही है कि सबाल्टर्न जो थे उनकी अपनी जो उनकी मूवमेंट थी लाइक भील मूवमेंट गुजरात में ठीक है, ऐसे CDM के अंडर भी मतलब CDM के टाइम पे भी उन्होंने अपनी अलग अलग मूवमेंट्स करी, ये जो है इंडिपेंडेंट थी फ्रॉम द इलाइट स्ट्रगल, जो इलाइटिस्ट पॉलिटिक्स थी उनसे इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी ठीक है। उसके बाद सुमित सरकार हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं ठीक है, इन हिज वर्क द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ सबाल्टर्न मिलिटेंसी ठीक है। तो ये सारे लीडर्स यही बात करते हैं, सॉरी सारे स्कॉलर्स यही बात करते हैं कि सबाल्टर्न जो क्लासेस हैं उनकी स्ट्रगल्स को खुद को उनको जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, हमेशा कांग्रेस व्यू पॉइंट से नहीं देखना चाहिए। अब देखिए कई बार जब आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, हम गांधी जी की बात करते हैं ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात
करते हैं, सीडीएम की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि गांधी जी ने इंस्ट्रक्ट करा, उसके बाद ट्राइबल लीडर्स ने ये करा, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. ठीक है, गांधी इनकी खुद की भी पहले जो है मूवमेंट्स होती थी. ठीक है, ये सिर्फ कांग्रेस की बात ही नहीं थी, इनकी खुद की मूवमेंट्स भी होती थी. हाँ, बस ये होता था कि जब गांधी जी वगैरह लॉन्च करते थे तो ये उनको भी जो है अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेते थे उन मूवमेंट्स को. ठीक है, तो ये इसमें सबाल्टर्न हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हमें ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में जो बात हुई है दैट वॉज सबाल्टर्न वर्सेस एलाइट. ओके, देन सेकेंड यहाँ पे फेज आता है डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में हमने देखा कि चाहे कांग्रेस की बात हो गई, ठीक है, हर जगह जो है इलाइट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है, सबाल्टर्न को जो है उनकी इंपॉर्टेंस की बात की है, राइट. बट इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड फेज इज डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है, इसमें थोड़ा सा सबाल्टर्न स्टडीज जो है वो उन्होंने एक डिफरेंट डायरेक्शन ली है. ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली ज्यादा टेक्स्टुअल एनालिसिस पे फोकस किया है, डिबेट्स वगैरह उन पे ज्यादा इन्होंने फोकस करा है, और इवन यहाँ पे जो सबाल्टर्निटी टर्म है, सबाल्टर्न टर्म है, इसको भी डिफरेंट तरीके से यूज किया है. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो सेकेंड फेज जो डेवलप हुआ सबाल्टर्न स्टडीज का, इट वाज समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल. ठीक है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल है उनसे कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हुए हैं. अब पोस्ट मॉडर्निस्ट में क्या था, हिस्टोरियंस जो थे पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले, वो कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट को जो है क्रिटिसाइज करते थे. ठीक है, एनलाइटनमेंट के टाइम के जो वर्क्स थे, है ना, पोस्ट मॉडर्न जो है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन चीजों को क्रिटिसाइज किया गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको जो है क्रिटिसाइज किया है. मॉडर्निस्ट जो थ्योरी थी, मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस थे, उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है. तो यहाँ पे जो सबाल्टर्न टर्म है, ठीक है, ये भी एक तरह से रीडिफाइन हो गया है. यहाँ पे इसको देखा गया है एज ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, मॉडर्निटी एंड एनलाइटनमेंट. ठीक है, ना कि ओपोजिशन टू इलाइटिसिज्म. ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, इलाइटिसिज्म का ओपोजिशन कर रहे थे, बट यहाँ पे इट हैज बीन सीन एज ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, मॉडर्निटी एंड एनलाइटनमेंट. क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो भी यही कर रहे थे, वो भी एनलाइटनमेंट को ऑपोजिट थे, वो भी मॉडर्निटी के थे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबाल्टर्न जो टर्म है उसका मीनिंग चेंज हुआ. ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा जो फोकस है दैट वाज ऑन टेक्सचुअल एनालिसिस. ठीक है, जो भी टेक्सचुअल वर्क्स वगैरह थे उनको एनालाइज किया गया, उस पे ज्यादा यहाँ पे वर्क हुआ. ठीक है, इवन यहाँ पे ज्ञान प्रकाश जो वन ऑफ द फेमस सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, वो यही बोलते हैं कि ये शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन में, अगर हम इंडियन सबाल्टर्न की बात करते हैं, यहाँ पे जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, पीपल फ्रॉम बिलो यू कैन से लाइक पीजेंट्स, ट्राइबल्स, ठीक है, उनके हमें बहुत ज्यादा वर्क्स नहीं मिलते. ठीक है, हम जो उनको भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, हम जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं या आप देख सकते हैं लाइटेस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनके व्यू पॉइंट से देख रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो वाली अप्रोच है विच वी यूज इन वेस्टर्न मॉडल, ठीक है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा हमें जो है हमारा जो सबाल्टर्न डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ये सेकेंड फेज में बेसिकली सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ये ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो जो कन्वेंशनल वर्क्स हुए हैं, ठीक है, उनका टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने करा था, ठीक है, वेस्ट में, उस तरह से अभी ये सेकेंड फेज में कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में काफी डिफरेंस आया है. इवन सबाल्टर्न टर्म भी जो है डिफरेंटली यूज हो रही है. यहाँ पे जो सबाल्टर्न टर्म यूज हो रही है दैट इज इन ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, दैट इज इन ओपोजिशन टू मॉडर्निज्म, ठीक है, दैट इज इन ओपोजिशन टू एनलाइटनमेंट. ठीक है, और यहाँ पे कल्चरल मैटर्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड फेज.
गाइस इस तरह से हमने पूरे दोनों फेज अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको आप जरूर जो है नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।